नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। सरकारी योजना के बारे में आज एक वीडियो लेकर आए हैं। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना निकाली है जिसके बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो इस योजना के पात्र है। तो उस योजना का नाम बता देता हूँ पहले, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करी है। तो इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं और कौन कौन पात्र नहीं है ये पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो इस योजना से वंचित न रह जाएँ। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रदेश में लागू हो चुकी है, तो इस प्रकार ये योजना है। इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इस प्लाट को कौन लोग पात्र रहेंगे, निःशुल्क प्लाट की पात्रता रहेगी, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इस प्लाट के लिए बिल्कुल फ्री दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो कौन लोग पात्र हैं, ऐसे परिवार जिनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, मतलब उनके पास पहले से कोई प्लाट वगैरह नहीं है। योजना के लाभ, अब योजना से क्या क्या लाभ है वो देखते हैं। गरीबों के पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी इनको। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन सकेंगे, इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत मकान बन सकेंगे। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी इस भूखंड से। भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देना ही होगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे आपको देना नहीं है इसमें, लेकिन ये पात्रता आपके पास होनी चाहिए। उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो ये पात्र हैं। नियम, अब इसके बारे में नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। आवंटन के लिए भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा, मतलब इतने लंबी चौड़ी आपको प्लाट दिया जाएगा। परिवार से आशय पति पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। आवेदन के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी हो, उसी ग्राम पंचायत के निवासी होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत में आप रहें। ये आवेदन ऑनलाइन होगा, जैसे ही पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ होंगे एक नया वीडियो आपके सामने अपने चैनल पर होगा, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।